हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। तो मैं इसमें मेरा जो तरीका होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो जनरली आप देखते हैं। मैं बात करने वाला हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको आप MCA कहते हैं, उन्होंने 15 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जिसको FAQ की तरह पब्लिश किया है। मैं उस 15 पॉइंट को ही आइडेंटिफाई करके उसी पॉइंट पे मैं बात करूंगा जो उन्होंने आंसर दिए, और उसी में ही मैं पूरे स्कीम को भी ब्रीफ कर दूंगा। तो इसमें क्या है कि दो बेनिफिट हो गए, एक तो आपको स्कीम भी पता चल गया, साथ के साथ ये भी पता चल पा रहा है कि कौन कौन से पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, जो कि हो सकता है कि जब आप वीडियो देखें किसी का तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन रह जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपाइल करके 15 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। मैं उस 15 क्वेश्चंस के आंसर आपसे बात करने वाला हूँ। मैं फिर से बताऊँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया है और मैं उन्हीं के क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पब्लिश किया है कि वॉट इज़ द LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। तो देखिए, ये पहली बात आप ये समझ लें कि ये एक तरह का बेनिफिट है कि जो एडिशनल फी लगने वाले थे जो कंप्लायंसेस के लिए रिलेटेड टू फॉर्म नंबर 34811, उसमें हम आगे बात करेंगे क्या क्या है। अगर उस फॉर्म से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट हुआ पड़ा है तो आपको कोई एडिशनल फी नहीं देना, जो नॉर्मल फी है वही देना है। ये बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ कोई प्रोसिक्यूशन, उस पर भी हम आएंगे कि वो अलग क्वेश्चन में लेंगे, लेकिन ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं दोबारा कब आए, ये चक्कर में ना रहे कि दोबारा आएगा तो हम इसका बेनिफिट लेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुरंत अवेल करें अगर आपकी LLP में डिफॉल्ट है किसी भी तरह का। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। तो उनका कहना है कि हम प्रमोट कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंडिया में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि LLP सेटलमेंट स्कीम इंडिया में देना चाहिए। वन टाइम कंडोनेशन फॉर डिले ऑफ फाइलिंग स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार, यानी कि वन टाइम एक बेनिफिट है आपको, जो मैंने पहले भी बताया, आप उसको अवेल करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपना रिटर्न फाइल करें और कंप्लायंस फ्री हो जाए, क्योंकि इंडिया ईज ऑफ डूइंग के लिए काम कर रहा है उनका मानना है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो COVID-19 की वजह से, अगर आप हमारा एक वीडियो देखते हैं कंपनीज़ के लिए जो सेटलमेंट स्कीम आया है, उसमें उन्होंने ये बहुत क्लियर कहा है कि मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है तो हम थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे हैं ताकि लोगों के पॉकेट पे कॉस्टिंग ज़्यादा ना आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन, परमानेंट तो भाई कुछ है ही नहीं, हम और आप ही नहीं है तो स्कीम कहाँ से होगा। तो ये स्कीम भी परमानेंट नहीं है, हम उसकी डेट में बात करेंगे कि ये रिलैक्सेशन कब तक है। चौथा क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ अ टाइम पीरियड, 16 मार्च से लेके 23 जून 2020 तक अप्लीकेबल है, दोनों डेट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है। आप कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफॉल्टिंग ऑफ LLP एज पर द स्कीम। तो उन्होंने कहा कि डिफॉल्टिंग का मतलब ये है, फाइलिंग उसमें बहुत क्लियर, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द ड्यू डेट अंडर द LLP एक्ट 2008, यानी कि अगर आपने किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन जो कि ऑलरेडी फाइलिंग से रिलेटेड काम में अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये अवेल करें, नॉर्मल फी दें और निकल जाए बाहर। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ आपको मैं क्या बताऊँ, क्या पेनल्टी और किस तरह की कॉस्टिंग है इस पर, उस पर ना जाएँ। जितनी जल्दी अगर आपके डिफ़ॉल्ट है फाइल करें, निकल जाए बाहर, बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, बला जितनी जल्दी टल जाए वो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, वेदर एन LLP इज रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार टू अवेल दी स्कीम। अगर आप कंपनीज की जो स्कीम आई हुई है उसमें एक फॉर्म था, यहाँ पे कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप नॉर्मल प्रोसीजर में अपना रिटर्न फाइल करें और बेनिफिट ले लें, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट फी है लेकिन उसकी कैपिंग कर दी गई है, प्रोसिक्यूशन नहीं है लेकिन लेट फी को बहुत नॉमिनल कर दिया गया है, वो भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल बी द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ फी एंड एडिशनल फी ऑन द फाइलिंग ऑफ बिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर सीकिंग इम्यूनिटी अंडर द स्कीम। तो पहली चीज जो भी है भाई ऑनलाइन है आज के डेट में। दूसरा, स्टेट्यूटरी फाइलिंग फी प्रिस्क्राइब एज पर द LLP एक्ट अंडर अलॉन्ग विथ, यानी कि पहले जो फी है नॉर्मल वो आपको देना ही देना, लेकिन एडिशनल फी ₹10 देने हैं पर डे, वो भी 5,000 की कैपिंग कर दी गई है पर डॉक्यूमेंट।
यानी कि मैक्सिमम जो कॉस्ट हो सकता है वो 5,000 रुपये हो सकते हैं। यानी कि अगर आपका डिफॉल्ट 500 दिन से ज़्यादा है, मैं अगर दूसरी बात करूँ तब भी 5,000 रुपये ही देने। क्यों? लेट्स अज्यूम कि मेरा डिफॉल्ट 900 दिन का था, यानी कि 9,000 रुपये हो गए पर डे है, लेकिन यहाँ अपर कैपिंग की गई, बहुत अच्छी बात है। आपको पर डॉक्यूमेंट 5,000 देने हैं मैक्सिमम, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं। आठवां क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है जो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया, वेदर एडिशनल फी ऑफ 10 रुपये पर डे इज फॉर ऑल फॉर्म इन एग्रीगेट और इंडिविजुअली। भाई ये तो अलग अलग है, लेकिन ये मैक्सिमम कैप है। अगर आपका डिफॉल्ट 200 दिन का है तो 2,000 रुपये ही देने, अगर आपका डिफॉल्ट 330 दिन का है तो 3,300 रुपये देने, आपका डिफॉल्ट 400 दिनों का है 4,000 रुपये देने। 5,000 मैक्सिमम कैपिंग है जब आप 500 दिनों से ज़्यादा डिफॉल्ट किया हुआ है। दूसरी चीज, वेदर 5,000 का एडिशनल फी, नाइन्थ क्वेश्चन है, वेदर कैप ऑफ 5,000 ऑन एडिशन फी फॉर ऑल फॉर्म्स और एग्रीगेट और इंडिविजुअली। कैप फॉर, ये कह रहे हैं कि कैप ऑन एडिशनल फी 5,000 एप्लीकेबल पर डॉक्यूमेंट, नॉट इन एग्रीगेट। अगर आप बात करें तो पर डॉक्यूमेंट देना, एग्रीगेट नहीं देना है। और अगर आपकी लेट्स अज्यूम पेनल्टी 9,000 आ रही, लेकिन 5,000 ही मैक्सिमम कैपिंग है। आप कह रहे हैं ऑन विच फाइलिंग द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल, फॉर्म नंबर 3, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड चेंजेस इफ एन, यानी कि फॉर्म 3 समझ में आ गया। फॉर्म 4, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, सीजेशन, चेंज इन नेम, एड्रेस, डिजिग्नेशन, डिजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर और कॉन्सेंट टू बिकम पार्टनर, डिजिग्नेटेड पार्टनर। फॉर्म एस कहता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड इंसॉल्वेंसी। उसके अलावा फॉर्म 11 करता है एनुअल रिटर्न जो आपको फाइल करनी है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 11, द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन सबमिशन एनी अदर फॉर्म ऑफ द, बहुत क्लियर है, ये चार ही हैं, 3, 4, फॉर्म एस, 11। इसके अलावा आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी फॉर्म नंबर 3, 4, 8 और 11 जो है इसी के लिए ये बेनिफिट दिया गया, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं दिया गया। फॉर विच द स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल, बॉस अगर आपने स्ट्राइक ऑफ फाइल कर दिया है तो कहाँ से होगा? अगर आपने और स्टार के पास ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ फाइलिंग कर रखा है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्यूमेंट फॉर विच द पीरियड ऑफ द पास्ट डिफॉल्ट LLP इज परमिटेड टू फाइल। कह रहा है कि ड्यू डेट डिफॉल्ट LLP इज परमिटेड टू बिलेटेड डॉक्यूमेंट विच वेयर ड्यू टू फाइल टिल 31st October 2009 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। अगर वहाँ तक का है तो आप फाइल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इज देयर इम्यूनिटी फॉर प्रोसिक्यूशन टू रिस्पेक्ट ऑफ द, यस, यही तो इसका फायदा है, आपको आप किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं, आप टेंशन फ्री हैं, क्योंकि अगर आपने ये फाइल कर दिया। इन वॉट एक्शन रजिस्ट्रार कैन टेक द डिफॉल्ट, तो ये ऑलरेडी हमने बता रखा है पीछे भी, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, और इसमें स्कीम के बारे में भी एक तरह से मैं कहूँ तो मैंने बता दिया। लेकिन हमने जो बताया वो FAQ के माध्यम से बताने से फ़ायदा क्या है कि एक तो क्लियरिटी बहुत आसानी से होती है, प्लस क्वेश्चन से रिलेटेड जब आंसर होते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन आइडेंटिफाई होकर रिजॉल्व भी हो जाते हैं, अदरवाइज वो ओपन एंडेड रह जाता है। इसके अलावा भी अगर लगता है कि हमने कोई चीज़ें कवर नहीं कर पाए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाए, क्योंकि हम घर से शूटिंग कर रहे हैं सब कुछ, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर पाएँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको और वीडियो हमारे देखने हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हम OTT के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा हम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप हमारा डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।